अभी भी अंदर बैठा था मैं सोने की तैयारी में। ये देखो, ये पढ़ो, अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एंड्रॉइड का है। इसमें नोटिफिकेशन भी आया है। वैसे तो हम पहली बार से लगे थे बेड के साथ, बेड हिल रहा पूरा जोर जोर से, बाहर गए बाहर लाइट हिल रही है। 6.2 मैग्नीट्यूड का है। हमारे ऑनर भी बाहर आ गए, तगड़ा ही आया। अभी ग्रुप में शेयर हुई है, ये दोस्त रहता है पास में, सारे बाहर आ गए। देखो इन्होंने तो मेला लगा लिया बाहर, पूरा पूरी बिल्डिंग बाहर आ गई। क्योंकि यहाँ तो हम दो में रहते हैं ना, तो घर का इतना वो रिस्क नहीं है। खाली कर दो, मतलब फ्लैट्स खाली कर दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना। अंकल पता नहीं क्या कर रहे हैं, रात को लाइट आ रहे हैं कहीं पे लगता है। ये मुश्किल से आंखों में नींद आने लगी थी, एकदम से बाहर आना पड़ा। पूरा ये पोल दिख रहा है सामने, ये पूरा ऐसे ऐसे हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। नोटिफिकेशन भी बहुत बहुत ही साथ साथ आई है एंड्रॉइड की, यू माइट हैव एक्सपीरियंस अर्थक्वेक, और उसका मैग्नीट्यूड भी आया था मैं। और एंड्रॉइड बढ़िया लगा मेरे को पहली बार किसी चीज़ में, इतना क्विक मैसेज आया उसमें। बाय, इट वॉज मोर सीरियस देन वी थॉट। सब लगे वार्निंग आ गई है कि निकलो बाहर, जहाँ भी हो छोड़ो सब जगह और बाहर निकलो, जाना पड़ेगा। एक बार सारा कुछ ले लिया, पानी वानी और मोबाइल और पावर बैंक पासपोर्ट वगैरह सब, कपड़े पहन लिए अच्छे खासे। डेंगू की बार लेरिंग करी है, कुछ खाने का भी ले लेता हूँ। कुछ नहीं पता यहाँ पे कल कब क्या हो जाए, मेरे आते ही भूकंप आ गए यहाँ पे। यहाँ पे आया किर्गिज मीडिया के हिसाब से 8, 7.4 से 8 का आ सकता है सेकेंड वेव में। The next day. तो वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रात को आपने देखा होगा कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड तो की थी जितनी मैं कर पाया था। एक तो वैसे मेरे को इतनी नींद आ रही थी, ऊपर से मैंने लीवो सिट्रिजन ले ली, ये जुकाम हो रहा तो सही हो जाए जल्दी से। और उसके बाद ये सब हुआ जो कल देखा आपने रात को। और वो भी ऐसे नहीं है कि उसके बाद हमारे पास क्या क्या मैसेज आए हैं कि बच्चे कल रात को सही में 1.5-2 घंटे बाहर ही खड़े रहते। जैसे हम तो रहते हैं यहाँ पे दोम में, मेरा घर है मतलब, और कोई ना नीचे कोई फ्लोर है ना ऊपर कोई फ्लोर है, तो इसमें थोड़ा रिस्क कम होता है। तो गिरेगा तो मान लो, अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर आता है ना, तो गिरा अगर मान लो इन वर्स्ट केस ना हो ऐसा कभी, तो इसमें उतना रिस्क नहीं है जितना बिल्डिंग्स के आसपास होता है। मतलब बिल्डिंग्स, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, मैक्सिमम फ्लैट्स ही हैं, तो उनको तो बहुत ही डरा दिया था रात को सबने न्यूज मीडिया। किर्गिस्तान का कजाकिस्तान बॉर्डर पे आया था 7.8 या फिर 8 मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पे आते आते थोड़ा उसका कम हो गया था मैग्नीट्यूड है ना। आफ्टर शॉक का डर था कि वो कह रहे थे 1-2 घंटे में आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें कहा नींद आ गई, हम दोनों ही सो गए थे, और सोया ऐसे कि हम तैयार थे, बस जितने कपड़े पहन रखे थे उसमें सो गए थे, इनर विनर सब पहन रखी थी। जो अभी अब मेरी हमारी क्लास है, 1 बजे क्लास है, अभी लगभग 12 से ऊपर हो गया टाइम, अभी सिर दर्द हो रहा है मेरा। तो सुबह उठ के रात को जैसे बार बार उठ उठ के चेक कर रहे थे भाई क्या है, क्या सिस्टम है बाहर का, चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई ढंग से, थका हुआ वैसे ही हुआ था 2 दिन का। शुरू करते हैं बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू अलमाटी ब्लॉग्स। अब से मेरे ब्लॉग्स, एक हफ्ता मैंने बीच में गैप ले लिया और वो कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी भी ऐसा है, ओ नहीं प्लीज नहीं। कहाँ गई यार, प्लीज नहीं। देखी वो अपने ब्लैक कैट यार, क्यों आ जाते हैं पेट्स यहाँ पे अपने आप। अभी तो यहीं थी, रिकॉर्ड भी हुआ है वो, तो अभी यहीं थी ब्लैक कैट। फिर मन करेगा इससे खेलने का, अब नहीं पालूंगा भाई मैं, कोई पेट नहीं रखना मुझे। और स्टैनली नाम तो कतई नहीं रखना किसी पेट का, कभी ही नहीं रखूंगा मैं कोई पेट का नाम स्टैनली कभी। बाहर आया हूँ मैं, भाग के इतने में गायब होगी, पता नहीं कहाँ गई। पहली क्लास में 20 मिनट लेट, कल वैसे सर हमसे चिढ़ गए थे और आज हम लेट जा रहे हैं। अब ये बोलना पड़ेगा जाके कि मैं यहाँ पे आ गया था, और मेरी आवाज़ से तो पता लग ही रहा है ठंड लगी पड़ी है, तो ये बोलूँगा कि दवाई लेने गया था घर से लाने भूल गया था। चलो भाई, क्लास ओवर। 1 घंटा बैठा के रखा, पेशेंट वेशेंट देख रहे थे, खुद तो डॉक्टर है, टाइम तो है नहीं था उनके पास। कल आना है नहीं आना कुछ नहीं पता अभी। चलो ठंड बहुत है, मेरे तो बुखार हो रहा है, चलते हैं घर। किधर से मिलेगी भाई? अभी मेरी ऑनर का मैसेज आया, हम जा ही रहे थे। तो ऐसी अपनी इंडिया में बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ वायरल होती हैं कि इंडियंस ऐसे साफ़ सुथरे नहीं रहते, खाना साफ़ सुथरा नहीं होता, तो यहाँ के लोगों के
एक बहुत बड़ी परसेप्शन है ऐसी, बहुत गंदगी में रहते हैं, गंदगी में खाना बनता है इनका। तो अभी वीडियो भेज रही है इंस्टा पे कि जहाँ पे एक जगह पूड़िया तल रही है, पीछे एक चूहा बैठ के खा रहा है उसी आटे में से। तो मेरे को भेज रही है अगर टेल मी इफ दिस इज ट्रू। मैंने कहा नहीं भाई, ये एक ही जगह हो रहा होगा कहीं पे और वही वीडियो वायरल होगी। होता है बहुत जगह गंदगी में बनता है, एक तरह से सही भी है। यही चीज़ें नाम खराब कर देती है इंडिया का। दिल्ली भी एंटर करो ना तो दिल्ली में भी ऐसी ऐसी जगह हैं। मोस्टली फॉरेनर्स कहाँ जाएंगे पहले, दिल्ली में कैपिटल सिटी है, वहाँ पे इतनी गंदगी है ना, मेरा खुद का मन नहीं करता दिल्ली जाने का कई बार। और ऐसी ऐसी जगह हैं फेमस, परांठे वाली गली और कहाँ कहाँ फेमस, लोग कहते हैं बहुत फेमस है यहाँ के, कोई पता नहीं कौन कौन आके खा के गया, और वहाँ जाके खाओ देखो तो इतनी गंदगी में बन रहा होता है, जो कि सही बात भी है। बस यही चीज़ें ख़राब करती हैं। बाकी अगर कोई ट्रैवलर है वो ज़रूर तारीफ करेगा, क्योंकि वो सारे एस्पेक्ट देख के आता है इंडिया के। बट मान लो अगर कोई एक दो दिन के लिए ही जा रहा है, अभी कल मेरे को फ्लाइट में मिला था एक बंदा, मेरे लेफ्ट साइड में बैठा था, इंडोनेशिया से आ रहा था, तो उसका लेओवर था IGI पे। तो उसने भी यही बात की मेरे से कि मतलब मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। तो मैंने उसको यही चीज़ समझाई कि एक बार एक दिन के परसेप्शन को, एक दिन के नज़रिए को छोड़ के घूमने आना तो तेरा बदल जाएगा, क्योंकि इंडिया इज़ वास्ट, डाइवर्सिटी बहुत है। तो यही बात है, ऐसा भी मैंने यही लिखा है ऑनर को भी कि ये एक ही जगह होता है, सब जगह नहीं होता है, एक ही जगह हो रहा होगा, वही वीडियो दिख गई तुम्हें, अब तुम उस चीज़ को पकड़ लोगे। ये देखो भाई, 8 पीस खंजर है, पूरे पूरे तीखे तीखे। हाँ कैसा है, कैसा है? फाइव ओ क्लॉक, शाम के 5 बज गए, अब खाना रेडी है, दाल चावल बनाए हैं, बेसिक खाना, मेरे को कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा वैसे, पता ही नहीं लग रहा क्या खा रहा हूँ मैं। साथ में चटनी भी बनाई है, वो मिक्स होगी थोड़ी सी, वो मिक्स होगी तरी के साथ। चलो ख़त्म करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा फिर कम करते हैं आगे का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एडिट करा थोड़ा सा, थोड़ी सी पढ़ाई खत्म करी और उसको कल कर दूंगा अपलोड, और खाना वाना मैंने खा लिया। खत्म करते हैं इसके साथ आज का दिन, मिलते हैं कल और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन में। राधे राधे।